सौभाग्यशाली राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताइए कि मन को कहां और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रियाओं को नियमित करे, इस तरह मन और इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की अस्थूल शक्तियों, जिसे हम विराट स्वरूप कहते हैं, उसमें लगाना चाहिए। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल स्वरूप भूत वर्तमान भविष्य का अनुभव किया जाता है। सात प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा प्रचंड ब्रह्मांडीय खोल के भीतर स्थित भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। एक ही समय में भगवान के अनंत अनेक रूप होते हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के मूल स्रोत रूप से अभिन्न हैं। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जानने वाला ग्रह मंडल विरास पुरुष के पांव के तलवे हैं और उनकी एड़िया और पंजे रसातल ग्रह समूह है, टखने महातल लोक है और उनकी पिंडालिया तलातल लोक है। विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोक है तथा दोनों जांघे भीतल तथा अतल लोक है। कटी प्रदेश महितल है और उनकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क लोक है, उनकी गर्दन महरलोक है, उनका मुख जन लोक है और उनका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं 1000 सिरों अर्थात मस्तिष्कों वाला आदि पुरुष का सिर है। सूर्य चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतएव भगवान के आदि विराट रूप के वच स्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्ग लोक भी कहते हैं, इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उनके कान, भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रिया है और दोनों अश्वनी कुमार उनके नथुने हैं। भौतिक सुगंध उनकी ध्रोण इंद्रिया है, उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं, देखने की शक्ति के लिए
सूर्य उनके नेत्र गोलक हैं, दिन तथा रात उनकी पलकें हैं। उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण, उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस और सार उनकी जीव है। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक है और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ी है। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है। सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन स्वरूप है। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल है, अधर्म उनकी पेट है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रियां हैं। मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है, पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं, सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जल ले जाने वाला बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि ही संध्या उनके वस्त्र है, भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है, चंद्रमा ही उनका मन है और समस्त परिवर्तनों का आधार है। पदार्थ का सिद्धांत सर्वव्यापी भगवान की भौतिक चेतना, जैसे कि विद्वानों ने बल देकर कहा है कि रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नाखून है। जंगली जानवर सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं। मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, देवदूत जैसी दैवी मनुष्य उनके संगत संगीत के लय को व्यक्त करते हैं। आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है और उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं। उनकी जांघे वैश्य हैं। शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, वह भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना ही चाहिए,
क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना ही चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य हैं, अन्यथा मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाएगा और खुद अपने पतन का कारण बनेगा। बोलिए जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा।